हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ठंड बहुत है हमारे तरफ झारखंड में और धूप भी बहुत कम निकल रही है। पूरा चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहा है और ऐसे में मैं बैठ गई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए कि चलो थोड़ा सा कम धूप है, बादल भी है, तो चलो थोड़ा सा वीडियो ठीक ठाक ही आएगा। कोशिश थी अच्छी वीडियो बनाने के लिए ही, तो आज मैं फ्लिपकार्ट की सैंडल का अनबॉक्सिंग और उसको पहनकर दिखाऊंगी। ये सैंडल रेड कलर की है जो कि 499 रुपीज़ की मैं ख़रीदी हूँ, फ्लिपकार्ट से ख़रीदी हूँ और इसका शिपिंग चार्ज भी लगा था तो 40 रुपीज़। और ये अभी तो मैं गांव पे ही हूँ न्यू ईयर से ही, लेकिन न्यू ईयर के बाद इसको मैं ऑर्डर की थी, यहीं से ऑर्डर की थी बनारस में। तो ये जो ब्रांड है वो लंदन स्टेप का है और इसका मुझे सैंडल अच्छा लगा था जो मैं फ़र्स्ट वीडियो डाली थी 1 जनवरी को। तो ये लंदन स्टेप सैंडल है रेड कलर की और हील्स भी है इसमें। इसका जो साइज है वो मैं 9 नंबर मंगवाई थी, 9 नंबर में ऑर्डर प्लेस की थी। तो ये देख सकते हैं कि इसका ये डब्बा है, इस तरह से आया था। डब्बा भी अच्छा ही है, ख़राब नहीं है। तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी अच्छे से बैठ गई थी, बेडशीट वगैरह बिछा के। आप लोग सोच रहे हो कि आज मैं बेडशीट क्यों बिछाई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा इसलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सैंडल जो मैं ऑर्डर करी हूँ ना, वो इसके पहले जो मैं 1 जनवरी को सैंडल ऑर्डर की थी जिसकी वीडियो आपने देखी, गोल्डन कलर की सैंडल, वो सैंडल मुझे बड़ी हो गई थी। मैं मंगवाई थी 10 नंबर। वैसे तो मुझे जितने भी सैंडल बनते हैं वो 10 नंबर के ही बनते हैं या फिर 11 नंबर के, लेकिन जब मैं ये ब्रांड यानी लंदन स्टेप का मंगवाई तो मुझे ये ब्रांड में मुझे 10 नंबर बड़ा हो गया और मेरा पैर उसमें छोटा हो गया। तो फिर मैं उसको रिटर्न करा दी जो आपने 1 जनवरी को देख रखी थी। तो इस सैंडल यानी गोल्डन सैंडल की वीडियो आपने 1 जनवरी को देखी थी, तो इसको मैं रिटर्न करा दी और जो पैसे थे उसको गिफ्ट में कन्वर्ट करा दी और उसी से मैं ये सैंडल ली। और इसमें कुछ और भी ऐड मुझे करने पड़े ऑनलाइन पेमेंट करके 100 रुपीज़, तो ये सैंडल मेरे पास आया। वाराणसी में मैं ऑर्डर की थी तो वहीं पे आया था, फिर मेरे हस्बैंड इसको लेकर के आए। तो हुआ ये कि मुझे डाउट था कि कहीं ये मुझे साइज़ होगी या नहीं होगी, इसलिए मैं पहले से सोच रखी थी कि अगर ये गंदी हो जाए या कुछ भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो टाइल्स वगैरह है नहीं, तो इसलिए मैं बहुत केयरफुली इसकी वीडियो बना रही थी आपके साथ अनबॉक्सिंग की, कि चलो अच्छे से मैं इसको वीडियो भी बना लूँ और पहन कर भी ट्राई कर लूँ कि ये साइज़ मुझे फ़िट होती है या नहीं होती है। बस इसलिए मैं यहाँ पे ना बेडशीट वगैरह बिछा ली थी छत पे ही और आपके लिए वीडियो भी बना रही थी, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा खास तैयारी नहीं की थी सैंडल के लिए। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही सिंपल हूँ, जैसे कि मैं घर में रहती हूँ वैसे ही। और ये जो साड़ी मैंने पहनी है वो मैं अभी नई नई निकाली हूँ, तो ये साड़ी मुझे मायके से मिली है और इसको मैं फ़र्स्ट टाइम पहनी थी। अभी ये शनिवार का दिन था, जो शनिवार के दिन मैंने आपको फ़ोटो भी पोस्ट करी थी ना, जिसमें मैं दिखाई थी कि मैं शुभ शनिवार, तो उस दिन मैं ये साड़ी पहनी थी, उसी दिन मैं ये वीडियो भी बनाई थी। इसलिए मैं इसकी कुछ खास तैयारी नहीं कर पाई कि अगर मुझे सैंडल अगर रिटर्न कराना पड़ा तो फिर मैं कैसे करूँगी, इसीलिए मैं बेडशीट वगैरह बिछा ली ताकि सैंडल गंदा ना हो। इसलिए मैं यहाँ कुछ खास तैयारी नहीं की, इसलिए आप देख सकते हैं कि रेड कलर की सैंडल तो है ही, तो इससे कुछ खास मैचिंग करता हुआ मैंने कुछ भी नहीं ट्राई किया है। लेकिन ये सैंडल आपको बता दूँ, लास्ट में बताऊँगी कि ये सैंडल का हुआ क्या। तो देखिए, अभी तो मैं पहन ही रही हूँ, तो ये रेड कलर की मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। जब मैं वो गोल्डन सैंडल रिटर्न की तो मुझे बस ये था कि वो गिफ्ट में कन्वर्ट हो चुका है पैसा, तो अब जल्दी से कोई भी सैंडल ऑर्डर कर लूँ। तो लंदन स्टेप का सैंडल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, पिछली बार जब मंगवाई थी तो उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी वो ब्रांड। तो फिर से मैं यही वाला ब्रांड से मैं ऑर्डर की हूँ 9 नंबर, क्योंकि पिछली बार का ये हुआ था ना मेरे साथ कि मैं जब 10 नंबर का मंगवाई तो वो बड़ा हो गया सैंडल, तो उसको मैं फिर से 9 नंबर मंगवाई थी, तो 9 नंबर मंगवाई तो वहाँ से फिर से उन्होंने ना 10 नंबर ही मुझे सैंडल जो है वो रिटर्न किया, मतलब दोबारा से वो 10 नंबर का ही दिया। मैं देखी भी कि ये 10 नंबर का फिर से मैं उसको रिटर्न का ऑप्शन डाली, तो वहाँ पे पता चला, मैं 9 नंबर मांगी, पता चला कि 9 नंबर ख़त्म हो चुका है, 9 नंबर है ही नहीं। तो मैं फिर कॉल से भी बात की फ्लिपकार्ट वाले से, तो उन्होंने बताया कि 9 नंबर नहीं है। तो फिर मैं उस जो सैंडल को वापस कर दी और उस पैसा को कन्वर्ट करा दी, तो फिर मैं ये वाली रेड कलर की सैंडल ऑर्डर की। और इसके लिए मैं आप लोगों से पूछी भी थी कि कम्युनिटी में कि
पोस्ट की थी कि मैं रेड वाली लूँ या गोल्डन वाली, तो सबसे ज़्यादा रेड कलर को ज़्यादा मतलब वोट मिला था। रेड कलर की सैंडल आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की ये वाली, तो फिर मैं इसी को ऑर्डर की और इसको मैं मंगवा ली। तो मेरे हस्बैंड आने वाले थे यहाँ गांव पे, तो वही लेकर के आए हैं। और आए तो फिर मैं एक दिन बाद फिर इसकी वीडियो भी जल्दी से ही बनानी थी, क्योंकि अगर मैं जल्दी से इसकी वीडियो नहीं बनाती, मतलब पहन करके ट्राई करना है तो वीडियो भी तो बनाऊंगी ना, तो ट्राई करूंगी तभी तो पता चलेगा कि ये मुझे साइज अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, मुझे कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अच्छी लगेगी तभी तो मैं इसको रखूंगी ना, और अगर अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं इसको वापस करा दूंगी। तो फिर मैं इसको पहनी, तो पहनने पर तो मुझे अच्छा ही लग रहा था। थोड़ा सा मैं इसका जो यहाँ पे फीता है इसका, मतलब जिससे आप टाइट और ढीला कर सकते हैं, तो ये वाली को मैं अच्छे से फिक्स कर ली। उसके बाद मैं बैठे बैठे ही थोड़ा सा देख रही थी कि ये कैसा लग रहा है मेरे पैरों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये वाली सैंडल। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब 2-3 दिनों से, मतलब 26 जनवरी थी ना, आज तो 27 जनवरी है जब मैं इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वरना ये वीडियो तो काफ़ी पहले बन चुकी है। तो मुझे 24 तारीख से ही बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मतलब सर्दी खांसी थोड़ा सा बुखार और वीकनेस, ये सब, आवाज़ भी मेरी चेंज ही नज़र आ रही होगी आपको, तो इसलिए भी कुछ कुछ वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो पड़ी हुई है जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो। तो इस सैंडल के बारे में बहुत से लोगों का ये रिक्वेस्ट आया था कि मैम आप इसके साथ भारी भरकम सा पायल पहन करके वीडियो बनाइए। तो मैं इसकी वीडियो बनाने के लिए अपने पैरों में अभी रेड नेल पॉलिश लगा चुकी हूँ, बस देखती हूँ कि कब मौका मिलता है और मैं कब इसके साथ अच्छा सा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं पूरा रेड रेड ही पहनूंगी, मतलब रेड नेल पॉलिश, रेड सैंडल, रेड साड़ी, रेड बिंदी, रेड चूड़ी। तो ऐसा कुछ मैं सोची हूँ, देखती हूँ कि कब मुझे ये मौका मिलता है और आप लोगों के लिए कब मैं इस टाइप की वीडियो लेकर आती हूँ। तो ये सैंडल ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, मैं इसको पहन करके चल भी रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसको वापस नहीं करा रही हूँ और इसके साथ और भी वीडियो ज़रूर आएंगी। और जो गोल्डन सैंडल थी जिसको कि मैं रिटर्न करा दी हूँ, तो उसको भी मैं कभी ना कभी खरीद ही लूँगी, 9 नंबर साइज। साइज को लेकर के मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता है, इसीलिए मैं ऑनलाइन सैंडल वगैरह नहीं खरीदती हूँ और ऑफलाइन में जा कर के ख़रीद नहीं पाती हूँ। बस इसी वजह से मैं कई सालों से ऑनलाइन सैंडल नहीं लिया करती थी, लेकिन अभी न्यू ईयर के पहले ली थी गोल्डन वाली, लेकिन उसको मैं वापस करा दी। वो सैंडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा, मैं उसको रिटर्न नहीं कराने वाली थी, बड़ी थी, लेकिन ऐसा था ना वो साड़ी वगैरह के साथ चल जाती जो गोल्डन मैंने ली थी, लेकिन अगर मैं उसको कुर्ती के साथ पहनती, लेगीज़ वगैरह के साथ, तो पीछे से दिख रही थी कि वो बड़ी है। इसके साथ वैसा कुछ नहीं है, इसकी हील्स आप देख रहे हो रेड कलर, रेड कलर मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। रेड कलर जो है ना, जैसे कोई शादीशुदा महिला है तो उसके लिए तो सबसे अच्छी बात है, और अभी तो वैलेंटाइन डेज भी आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं ना कि किसी को गिफ्ट करना है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को रेड कलर का ये सैंडल गिफ्ट कर सकते हो, अपनी वाइफ को ये गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि रेड तो हमेशा रेडी होता है और शादीशुदा महिलाएँ भी इसको पहन सकती है। शादी प्यार के लिए भी कलर जो होता है वो लाल होता है, तो बहुत अच्छी है ये सैंडल। अगर आपको पसंद आ रही होगी तो आप भी खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी लोगों ने इसको ख़रीदा भी था। इसमें कलर भी आपको 2-3 अवेलेबल हैं, आप जो चाहे वो कलर ले सकते हैं। तो अभी मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ज़्यादा पसंद आती है तो। और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ कमेंट है तो बता दीजिएगा। बाय।